कहानी की शुरुआत में क्लेयर नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक FBI कैडेट है, मतलब वो भी ट्रेनिंग पर है। एक दिन उसके सुपीरियर मिस्टर क्रॉफर्ड ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में मिस्टर क्रॉफर्ड का इंतजार करते हुए क्लेयर की नज़र दीवार पर गई जहां दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल्स लगे हुए थे। ये सब आर्टिकल बुफेलो बिल नाम के सीरियल किलर के क्राइम से रिलेटेड थे। इस वक्त FBI बुफेलो बिल की तलाश में थी। फिर मिस्टर क्रॉफर्ड भी आ गया। उसने बताया कि हमें अभी तक सिर्फ इतना पता है कि बुफेलो बिल मोटी लड़कियों को मारता है और फिर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लेता है। क्रॉफर्ड ने उसे एक टास्क दिया जिसमें उसे एक जेल में जाना होगा एक इनफेमस साइकाइट्रिस्ट हैनिबेल लेक्टर से मिलने। हैनिबेल लेक्टर जो कि एक ब्रिलियंट साइकाइट्रिस्ट था, वो न जाने क्यों एक कैनिबल बन गया और कैनिबल होने के चलते उसने कई लोगों को मार दिया। दोस्तों, कैनिबल वे लोग होते हैं जो इंसान के मांस को खाते हैं। अब हैनिबेल लेक्टर को नहीं पसंद है पिज्ज़ा। वो दूसरे इंसानों के लिए बिल्कुल ऐसा हो गया है जैसे साली को दबोचे जीजा। इस काम के लिए क्लेयर को इसलिए चुना गया क्योंकि उसके पास साइकोलॉजी की डबल डिग्री है। हाँ, पहली बार में समझ नहीं आई होगी। क्रॉफर्ड के हिसाब से हैनिबल बुफेलो बिल को पकड़ने में मददगार साबित हो सकता था। क्लेयर के जाने से पहले क्रॉफर्ड ने उसे सलाह दी कि हैनिबल से कोई भी पर्सनल बात मत करना क्योंकि हैनिबल लेक्टर हद से ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और वो किसी के भी दिमाग में घुस सकता है। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं द साइलेंस ऑफ द लैम्प्स। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आखिर में आप सबके लिए कुछ सरप्राइज है। अब क्लेयर पागल कैदियों की जेल में आ गई जहाँ उसे डॉक्टर चिल्टन मिले। डॉक्टर चिल्टन ने उसे आगाह करते हुए बताया कि हैनिबल लेक्टर से दूर ही रहना क्योंकि एक बार उसने छाती में दर्द का नाटक किया था। जब नर्स उसे चेक करने गई तो उसने नर्स का चेहरा बिगाड़ दिया और उसकी जीभ खा गया। ये सुन के क्लेयर के तोते मैना सब उड़ गए। फिर डॉक्टर चिल्टन ने उसे बताया कि हैनिबल लेक्टर का सेल सबसे आखिर वाला है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अब क्लेयर अकेले ही पागलों के सेल से होते हुए आखिर में पहुँच गई। हैनिबल लेक्टर बाकी कैदियों के मुकाबले एकदम शांत खड़ा था। उसे देख के पता चल रहा था कि उसे दुनिया का बेस्ट साइकाइट्रिस्ट क्यों कहा जाता है। हैनिबल लेक्टर की फोटोग्राफिक मेमोरी भी बड़ी कमाल की थी, मतलब उसे चीज़ें याद रहती थी, वो भी एज इट इज़। इस बात का अंदाज़ा क्लेयर ने वो पेंटिंग देख के लगा लिया जो हैनिबल लेक्टर ने बिना देखे बनाई थी सिर्फ अपनी मेमोरी से। हैनिबल लेक्टर को ये अच्छा नहीं लगा कि क्लेयर उसको पढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते हैनिबल ने उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, वो भी ऐसी बातें जिन्हें क्लेयर भूलना चाहती थी। लेक्टर ने बताया कि वो बंजारों के परिवार से है और उसका बचपन बहुत गरीबी में गुजरा। क्लेयर को कोई आइडिया नहीं था कि हैनिबल ने बात कैसे पता लगाई, शायद आज कम मेकअप किया है उसने। पर जो भी कहो, बात कड़वी थी मगर सच थी। फिर हैनिबल ने उसे यहाँ से जाने की सलाह दी इससे पहले कि वो उसका लीवर खा जाए। ये सुनते ही क्लेयर वहाँ से चल दी। मिक्स नाम के दूसरे कैदी ने क्लेयर के साथ बदतमीजी की जिसके चलते हैनिबल लेक्टर बहुत गुस्सा हो गया। वो नहीं चाहता था कि कोई भी क्लेयर के साथ बदतमीजी करे सिवाय उसके, इसलिए हैनिबल ने क्लेयर को एक और मौका दिया। उसने कहा, लुक विद इन योर सेल्फ और ट्रैक करो मेरी पुरानी पेशेंट मिसिज मफेट को। अब ये एक पहेली है जो आगे समझ में आएगी। फिर अगले कुछ दिन क्लेयर के ट्रेनिंग करते हुए बीते। अचानक मिस्टर क्रॉफर्ड ने उसे बुलाया और बताया कि हैनिबल लेक्टर से अगले सेल वाले बंदे ने खुदकुशी कर ली। वो मिक्स की बात कर रहा था जिसने क्लेयर के साथ बदतमीजी की थी। हैनिबल ने उसे ऐसी ऐसी बात कही कि वो डिप्रेस हो गया और खुद की जान ले बैठा। इसके बाद क्लेयर ने हैनिबल को सीरियस लिया और याद करा जो हैनिबल ने उससे कहा था, लुक विद इन योर सेल्फ, जिसका मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर झांको, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि ये तो एक स्टोरेज कंपनी का नाम है जो हैनिबल के टाउन में ही थी। क्लेयर उस कंपनी तक पहुंच गई और फिर उसे पता चला कि ये कंपनी मिसेज मफेट के नाम पे है, वही मफेट जिसे हैनिबल ने ट्रैक करने के लिए कहा था। इसके बाद वो अंदर गई और उसे वहाँ एक सर मिला जो तन से जुदा हो चुका था, वो भी बहुत पहले। इसके बाद क्लेयर लेक्टर से मिलने पहुंची। उसने लेक्टर को बताया कि मफेट कोई औरत नहीं बल्कि मफेट एक शब्द का एक्रोनियम है, यानी कि एक बड़े शब्द की छोटी फॉर्म, और बड़ा शब्द था रेस्ट इज मी, यानी कि मफेट और कोई नहीं बल्कि हैनिबल ही है, और वो स्टोरेज उसी ने खरीदा था नकली नाम से। वह लड़की ने साबित कर दिया कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, इसलिए हैनिबल ने बफेलो बिल के बारे में एक छोटी सी लीड दी। उसने कहा कि जिसका सर तुम्हें मिला है उस शख्स का नाम था बेंजामिन रेस्पाइल, जो कि हैनिबल का पेशेंट था, लेकिन हैनिबल ने उसे नहीं मारा। गौर करने वाली बात यह है कि बेंजामिन रेस्पाइल का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम है बफेलो बिल।
हो ना हो बेंजामिन को बफेलो बिल नहीं मारा होगा और हैनिबल को भी उसके बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, लेकिन वो तभी कुछ बताएगा जब उसे इस बेकार सी जेल में से निकालकर एक बढ़िया जेल में शिफ्ट किया जाए जहाँ से उसे पेड़ पौधे दिख सके। हैनिबल ने कहा कि उसके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि बफेलो बिल अभी भी खुला सांड बन के घूम रहा है। दूसरी तरफ एक मोटी लड़की को दिखाते हैं जिसे कोई नाइट विजन ग्लासेस से देख रहा था। फिर लड़की ने देखा कि एक आदमी कार में सोफा चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लड़की अच्छाई की मूरत बनने के लिए उसकी मदद करने पहुंच गई और मदद करते करते वो कार के अंदर चली गई। मौके का फायदा उठाकर बफेलो बिल ने उसे अंदर धकेल दिया और दो चार घूसे मार के उसे सोफे पे सुला दिया। साथ ही उसने उसके कपड़े भी उतार दिए और वहीं रोड पे फेंक दिए। कुछ दिनों बाद एक और बॉडी मिली जो कि सोफे वाली लड़की की थी। बॉडी को एग्जामिन करते वक्त क्लेयर ने बता दिया कि ये लड़की टाउन से बाहर की है क्योंकि जिस तरीके का मेकअप इसने कर रखा है वो यहाँ पे तो नहीं होता। और उसके नाखून देख के क्लेयर ने बताया कि लड़की को ज़रूर घसीटा गया होगा। साथ ही लड़की के शरीर के दो हिस्से गायब थे और उसके मुँह में से एक ककून मिला जिसे जब क्लेयर लैब में ले गई तो उन्हें पता चला कि ये ककून एक एशियन प्रजाति का ककून है जिसे मोट बोला जाता है। इस मोट को ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी तरफ बिल को दिखाते हैं जो मेकअप शेकअप कर रहा है। उसके घर में कुआं बना हुआ है जिसमें से एक लड़की के चीखने की आवाज़ आ रही थी। अगले दिन मीडिया में कैथरीन के गायब होने की खबर चल रही थी। कैथरीन यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर की बेटी थी जिसके चलते सेनेटर खुद टीवी पे आके बफेलो बिल से बात कर रही थी और उसकी बेटी को छोड़ने के लिए कह रही थी। अब ये केस FBI और गवर्नमेंट के लिए और इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें सेनेटर की बेटी की जान को खतरा था, जिसके चलते क्लेयर को वापस हैनिबल से बात करने के लिए भेजा गया। क्लेयर ने उसे कई ऑफर दिए जैसे कि उसे बढ़िया जेल में भेजा जाएगा और साथ ही उसे एक ट्रिप पर भी ले जाया जाएगा। लेक्टर ने ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन एक कंडीशन पर, कि क्लेयर को उसे अपनी कोई पर्सनल बात बतानी पड़ेगी। फिर क्लेयर ने बताया कि कैसे दो लुटेरों ने उसके ऑन ड्यूटी फादर को मार डाला था, जिसके बाद क्लेयर को कैरावैन में रहना पड़ा, वो भी अपनी मॉम और उसके बॉयफ्रेंड के साथ। एक दिन क्लेयर वहाँ से भाग गई। इतना सुनने के बाद हैनिबल ने उससे पूछा कि जिस लड़की की लाश मिली है वो लंबी थी। क्लेयर ने कन्फर्म किया। इसके बाद हैनिबल को ककून मौत वाली बात पता चली। यही सेम मौत बेंजामिन रेस्पाइल के मुंह से मिला था। हैनिबल ने बताया कि मौत का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। जरूर बफेलो बिल आदमी से औरत बनना चाहता है, उसे लगता है कि वो ट्रांसजेंडर है हालांकि वो है नहीं। इसी सोच के चलते वो सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने 3 क्लिनिक में गया था लेकिन तीनों ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसके शरीर में नहीं दिमाग में दिक्कत थी। अब बफेलो बिल उन्हीं लड़कियों को मार रहा है जो लंबी और थोड़ी मोटी है और साथ ही उनके बॉडी पार्ट्स और स्किन भी निकाल रहा है। क्लेयर नहीं जानती थी कि डॉक्टर चिल्टन छुप छुप कर उसकी और हैनिबल की बातें सुन रहा है। वो क्लेयर से जेलस था कि उसके होते हुए क्लेयर को ये केस कैसे मिल गया। इसके बाद बफेलो बिल को दिखाते हैं जो कैथरीन को उसकी बॉडी पर लोशन रगड़ने के लिए कह रहा था ताकि स्किन आराम से उतर सके। कैथरीन रोती रही और मदद के लिए चिल्लाती रही लेकिन बफेलो बिल ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर उसने लोशन वापस लेने के लिए टोकरी डाली जिसकी लाइट से कैथरीन को चारों तरफ खून ही खून दिखने लगा। वो ये देखकर और ज्यादा चिल्लाने लगी और उसे चिल्लाता देख के बफेलो बिल को बड़ा मजा आ रहा था। अब हैनिबल लेक्टर को ट्रांसफर किया जा रहा था टेनेसी की दूसरी जेल में। डॉक्टर चिल्टन ने उसे बताया कि क्लेयर ने उसे जो भी ऑफर दिए है वे सब फेक थे। इसी बीच हैनिबल ने डॉक्टर चिल्टन का पैन टपा लिया। एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त चिल्टन को अपना पैन नहीं मिला, फिर भी उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और फिर ट्रांसफ़र से पहले हैनिबल को सेनेटर से मिलवाया गया। सेनेटर बफेलो बिल के बारे में जानना चाहती थी। हैनिबल ने उसे काफ़ी चीज़ें बताई जैसे कि बफेलो बिल दूध नहीं देता फिर भी उसका नाम बफेलो बिल है। इन बातों में से उसने एक काम की बात भी बताई कि बफेलो बिल शिकागो का रहने वाला है और वो ये इसलिए जानता था क्योंकि उसका पेशेंट बेंजामिन रेस्पाइल बफेलो बिल का बॉयफ्रेंड था जिसे बफेलो ने मार दिया। अब हैनिबल को ट्रांसफ़र किया गया। क्लेयर हैनिबल से मिलने आई। उसने क्लेयर को कुछ भी बताने से पहले ये पूछा कि वो घर छोड़ के क्यों भागी थी। तो क्लेयर ने बताया कि एक दिन मैंने कई सारे लैम्प्स को चिल्लाते हुए सुना, वे सब कटने वाले थे इसलिए शोर मचा रहे थे। उसने उन्हें भगाने की कोशिश की तो भी वे नहीं भागे, जिसके चलते क्लेयर ने एक लैम्प उठा लिया और उसे लेके भागने लगी कि कम से कम वो एक जिंदगी तो बचा पाएगी। ये कहानी सुन के हैनिबल भावुक हो गया और क्लेयर भी।
इससे पहले कि हैनिबल उसे कुछ जानकारी दे पाता, डॉक्टर चिल्टन ने उसे भगा दिया। चिल्टन नहीं चाहता था कि हैनिबल से डील करने का सारा क्रेडिट क्लेयर ले जाए। अब हैनिबल के डिनर का टाइम हो गया, दो ऑफिसर उसे खाना देने आए। सिक्योरिटी रीजंस के चलते उन्होंने हैनिबल के हाथ बांध दिए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि हैनिबल ने इतने टाइम से अपने मुंह में पेन की निब छुपा रखी थी। उससे उसने अपनी हथकड़ी खोल ली और फिर ऑफिसर को ही कैदी बना दिया। इतने में ही वो दूसरे ऑफिसर के मुंह को खा गया और अगले ही पल उसने हथकड़ी से बंधे ऑफिसर को भी निपटा दिया। इसके बाद पुलिस को गोलियों की आवाज़ आई और एलिवेटर थर्ड फ्लोर पर रुक गया। वे सब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर ऑफिसर की लाश टंगी हुई थी और दूसरे ऑफिसर का पूरा मुंह खराब हो गया था, लेकिन न जाने कैसे उसकी सांसें अभी भी चल रही थी, जिसके चलते उसे फटाफट एम्बुलेंस में ले जाया गया। इधर पुलिस ने नोटिस किया कि एलिवेटर के ऊपर वाले हिस्से से खून टपक रहा है। दूसरी तरफ जख्मी पुलिस वाले को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। यहाँ पुलिस वाले समझ गए कि जख्मी हैनिबल एलिवेटर के ऊपर छुपा हुआ है। वे उसे पकड़ने पहुंच गए। पहले एक पुलिस वाले ने उसके पैर पर गोली मारी, लेकिन वो हिला तक नहीं। फिर उसे नीचे लाया गया और सरप्राइजिंगली वो पुलिस वाला ही था जिसका चेहरा हटा दिया गया था, और असली हैनिबल तो एम्बुलेंस में है। कुछ टाइम बाद क्लेयर को पता चला कि हैनिबल भाग गया है और उसने एम्बुलेंस में एक नर्स और साथ ही एक टूरिस्ट को मार डाला। अब क्लेयर की डिटर्मिनेशन इस केस को लेके और ज़्यादा बढ़ गई। उसे याद आया कि हैनिबल ने उससे कहा था कि हर क्राइम का कारण होता है ईर्ष्या, यानी कि जलन। तो क्लेयर ने बुफेलो बिल के मर्डर्स में एक पैटर्न नोटिस किया। फिर वो फ्रेडरिका घर गई जिसे बुफेलो ने सबसे पहले मारा था। फ्रेडरिका बाय प्रोफेशन एक टेलर थी। फ्रेडरिका की सिलाई में क्लेयर ने नोटिस किया कि उसने जहाँ स्टिचेस लगा रखे थे वहीं से बुफेलो बिल लड़कियों के बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था। अब क्लेयर ने कुछ पता लगा लिया था। वो जान गई कि बुफेलो बिल लड़कियों को इसलिए मार रहा है ताकि वो उनकी खाल और ऑर्गन से अपने लिए एक ह्यूमन बॉडी सूट बना सके। ये बात उसने चीफ को बताई, लेकिन चीफ के हिसाब से उन्होंने बुफेलो का पता लगा लिया था और वे उसे पकड़ने शिकागो जा रहे थे। फिर क्लेयर फ्रेडरिका की दोस्त के पास गई, जहां उसे पता चला कि फ्रेडरिका मिसिज लिपमैन नाम की महिला के लिए काम करती थी। अब FBI ने बुफेलो का घर ढूंढ लिया। इधर हम बुफेलो को देखते हैं जिसके घर पर कोई आया है। ज़रूर FBI वाले होंगे। अरे ये FBI वाले नहीं, ये तो क्लेयर है। FBI तो किसी और शहर में धक्के खा रहे हैं। क्लेयर यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि ये मिसिज लिपमैन का घर है। बुफेलो बिल ने अपने आप को जैक गॉर्डन के नाम से इंट्रोड्यूस किया। उसने कहा कि वो मिसिज लिपमैन का बेटा है। फिर क्लेयर को यहाँ ककून मौत दिख गया, जिससे कन्फर्म हो गया कि यही बुफेलो बिल है। उसने बिल पे बंदूक तान दी, लेकिन वो इसके सामने से भाग निकला। क्लेयर ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखा। उसे जल्द ही कैथरीन मिल गई, और फिर जब वो बुफेलो को ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगी तभी लाइट्स कट हो गई, और अब क्लेयर को तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन बुफेलो ने नाइट विजन ग्लासेस पहन रखे हैं। वो क्लेयर के साथ खेल रहा था, और जैसे ही उसने क्लेयर के पास आके गन लोड की, वैसे ही क्लेयर ने आवाज़ की तरफ गोली चला दी और बुफेलो बिल ऑन द स्पॉट ही मारा गया। फिर क्लेयर एक ट्रेनी से FBI एजेंट बन गई, और उसे कैथरीन को बचाने के लिए अवार्ड भी मिला। आखिर में क्लेयर के पास एक फ़ोन कॉल आता है। ये लेक्टर का कॉल था, जो उससे कह रहा था कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि दुनिया को क्लेयर जैसे लोगों की ज़रूरत है। फिर हैनिबल ने कहा कि आज का डिनर मैं हमारे दोस्त डॉक्टर चिल्टन के साथ करूँगा। ये सुनते ही क्लेयर की रूह कांप गई, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कैसी लगी ये मूवी, लाइक और कमेंट करके बताइए। और कुछ दिन पहले मैंने अपनी YouTube जर्नी के बारे में बताया था, और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन भी लिए थे। बहुत से लोगों ने पूछा कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है, तो मैंने आप सबको बताया था कि मॉन्स्टर जैसा एनिमे मैंने कभी नहीं देखा, ट्रूली अंडररेटेड एनिमे। और अब सरप्राइज ये है कि मैं आपके लिए मॉन्स्टर एनिमे लाया हूँ। हम इसके सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे अपने द गुड एनिमे चैनल पर। पहला एपिसोड डाल दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से या कमेंट सेक्शन वाली लिंक से एपिसोड चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों ज़्यादा बड़ा एपिसोड नहीं है, मात्र 7 मिनट का है। एक बार अभी देख के कमेंट में बताओ कि कैसा लगा, और एनिमे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मॉन्स्टर के साथ साथ जुजुत्सु काइसिन और वन पंच मैन जैसे एनिमे भी आने वाले हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।